हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके एंड यू नो what are we called as the components of food? Components of food are called as nutrients. Okay, and these nutrients we obtain from different food items. Okay, so what were the components of food we have talked in the last class? These are the components of food, that is carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, dietary roughage and water. Okay, so we have talked about a little bit about all of them and about the in detail about carbohydrates. Okay dear students, today we are going to talk about the other nutrients, that is fats, and also about proteins. Okay dear students, the fat is another type of components of food, another nutrients of food that are also energy giving. If we take fat, so it provides us energy. हम अगर food में fat लेते हैं तो उससे हमें energy मिलती है. Okay? And fat का nature कैसा होता है? Fat are greasy foods. That is कि fats, आप समझ रहे हो ना कि fats क्या होते हैं? चिपचिपे से, जिसको हम तेल बोलते हैं, तेल है, घी, ये सारी चीजें होती हैं आपकी fat. Okay? And these fats are obtained from both plants and animals. Okay, you know human beings are omnivores. तो हम लोग दोनों चीजें खाते हैं, plants के items भी खाते हैं, plants products खाते हैं and animals को खाते हैं. So दोनों से हमें क्या होता है, fat मिलता है. Okay, so plants से जो fat मिलते हैं, plants के जो fats होते हैं, basically उसमें जो होते हैं आपके, अगर हम बात करें तो mustard oil, घर में daily आपकी मम्मी सब्जियां कुछ भी बनाने के लिए कड़वा तेल, जिसको इन हिंदी वी कैन से मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. ओके तो ये सारे क्या होते हैं, दिस ऑल आर वेजिटेबल ऑयल, जिसको हम वनस्पति घी कहते हैं. ठीक है, मतलब ये हमें प्लांट से ऑब्टेन किया हुआ ऑयल होता है. ठीक है, तो सारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं. एंड जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में भी ऑयल प्रेजेंट होता है, यानी कि उसमें भी फैट होता है. ठीक है, सो जो प्लांट से ऑब्टेन होने वाले फैट होते हैं, दैट मींस कि जो ऑयल्स हैं उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स. ओके सो फैट्स आर ऑफ टू काइंड्स, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स. सो द फैट्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, these are called as unsaturated fats. Unsaturated fats का मतलब कि unsaturated fats ऐसे fats होते हैं that these are liquid at room temperature. Okay, यानी कि वो तेल होते हैं. ठीक है, you can say liquid होता है, ये fat जो होगा ये liquid होगा, room temperature पर भी liquid होते हैं. ठीक है, and और ये इसको माना जाता है कि these are considered as healthy for humans. तो जो प्लांट्स के ऑयल है, यानी कि जो प्लांट्स के जो फैट होते हैं, जिनको अनसैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, दीज आर हेल्दी फॉर ह्यूमंस. ओके क्लियर. नाउ द सेकेंड टाइप्स ऑफ जो अनदर फैट्स होते हैं, वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ बटर एंड घी. ठीक है, तो एनिमल्स में जो फैट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, बटर एंड घी. ठीक है, तो बटर आपको बेसिकली पता है कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है, और मिल्क इज यू नो कि वी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क गिविंग, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, काउ, बफेलो, गोट. ओके और घी क्या होते हैं, वो एनिमल्स के फैट से बनाए जाते हैं. ओके सो एनिमल्स में जो बटर और घी जो हमें मिलता है, ये बेसिकली हमें जो है आपके मीट हम खाते हैं उसमें फैट प्रेजेंट होगा, फिश में फैट होता है, बट फिश में थोड़ा कम होता है, एग योक में फैट होता है. ओके चीज में फैट होता है, तो ये सारे फैट्स जो होते हैं वो आपके एनिमल्स से मिलते हैं. ओके
ना एनिमल्स से मिलने वाले जो फैट्स होते हैं, जैसे कि हाँ कुछ प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं जैसे को हम जंक फूड बोलते हैं, उसमें भी फैट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसमें फैट एज अ इंग्रेडिएंट डाला जाता है, ठीक है, कुछ प्रोसेस्ड फूड होते हैं। तो एनिमल्स के फैट को बोलते हैं, द फैट्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड फैट। तो ये सैचुरेटेड फैट होते हैं, और सैचुरेटेड फैट उनको बोलते हैं जो रूम टेम्परेचर पे जो है आपके सॉलिड होते हैं, ठीक है। दिस इज जिसको हम घी कहते हैं, घी और तेल, ठीक है, आप समझ जाओ। तेल अगर बोल रहे हैं जो लिक्विड है वो अनसैचुरेटेड है, जो घी यानी कि जो थिक व्हाइट कलर का होता है दैट आर सैचुरेटेड फैट, ठीक है। सो एनिमल्स के फैट सैचुरेटेड होते हैं और प्लांट्स के फैट अनसैचुरेटेड होते हैं, ओके, क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, जो फैट्स हम लेते हैं वो फैट्स क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी गिविंग है और फैट्स भी एनर्जी गिविंग है, सो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली फूड मतलब इमीडिएटली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स हमें एनर्जी तब प्रोवाइड करेगा जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कम होगा, ठीक है। सो और दूसरी चीज ये है कि जो फैट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के कुछ फंक्शनिंग में भी रोल प्ले करते हैं, लाइक कि जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो आपके अंडर द स्किन होते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर होते हैं, तो जिससे हमें इंसुलेशन मिलता है, यानी कि हमें बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा ठंडक जो है वो उससे हमें बचाता है, ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और ठंडे के मौसम में कोल्ड वेदर में हमारी बॉडी को हीट करता है, ठीक है। दूसरी चीज की बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, उनके लिए वो कुशन बनाता है, ओके, क्लियर। बट एक बात आप क्लियर कर लो कि जो प्लांट्स के फैट्स होते हैं यानी कि जो सैचुरेटेड फैट होंगे वो हेल्दी होते हैं, ठीक है, इनको खाने से बीमारियां कम होती हैं, बीमारियां नहीं होती हैं। बट एनिमल्स फैट अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस ले रहे हैं, सो एनिमल फैट्स आर नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज एनिमल फैट्स में क्या होते हैं, देयर इज कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्टेरॉल, ओके, एनिमल फैट्स में क्या होगा? कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हमने बहुत ज्यादा फैट ले लिया, ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा फैट खा रहे हैं एनिमल फैट, तो वो कोलेस्टेरॉल जो एक इसका कंपोनेंट होता है फैट का, वो क्या करता है, वो हमारे ब्लड की, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, हमारे जो वेन्स हैं, ठीक है, इसकी वॉल में, इसकी इंटरनल वॉल में इकट्ठा होने लगता है, ठीक है, डिपॉजिट होने लगेगा, जिससे क्या होगा कि हमारे ब्लड वेसल्स थोड़ा सा जाम हो जाएंगे, उसमें क्या होगा, वो नैरो हो जाती हैं, तो हमारे हार्ट को क्या करना पड़ता है, थोड़ा और प्रेशर लगाना पड़ता है उसको पंप करने के लिए, यू नो कि हमारे हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड इनटू आवर ब्लड वसल्स। तो अगर ब्लड का जो वसल्स होगा वो थोड़ा सा उसके अंदर जगह कम होगी, तो हमारे ब्लड हमारे हार्ट को पंप करना पड़ेगा, और एनर्जी लगाना पड़ेगा और प्रेशर लगाना पड़ेगा टू पंप द ब्लड इन द ब्लड वसल्स, ओके। इससे क्या होता है कि ब्लड को ज्यादा काम करना पड़ता है, ब्लड हैज टू वर्क हार्ड, ओके, टू पुश द ब्लड इनटू द ब्लड वसल्स। इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू हार्ट अटैक। अगर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा तो हार्ट को हार्ट अटैक आ सकता है, ओके, इसीलिए मना किया जाता है, इसीलिए इट इज सेड दैट कि एनिमल्स फैट कम से कम खाना चाहिए, ओके, क्लियर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोटीन्स। Here is the another nutrients that is called as proteins. Okay, so dear students, you know proteins are the body building nutrients. यानी कि proteins जो होते हैं वो body को बनाने वाले nutrients होते हैं, ठीक है। अगर हम अपने food में proteins ले रहे हैं तो वो proteins हमारी body को बनाते हैं, okay? Now proteins जो होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, ओके, प्रोटीन्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, तो अगर एक प्रोटीन को हम देखेंगे तो वो प्रोटीन छोटे
बना होता है. ओके, सो अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज एमिनो एसिड्स. ओके, सो वी कैन से दैट द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स. ओके, सो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्रोटीन्स का है उसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स. ओके, एमिनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं. ओके, क्लियर. नाउ जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बनाते हैं. ठीक है, क्या बनाते हैं? तो दे फॉर्म मसल्स, हमारे हाथ की और जो हमारे लेग्स की जो मसल्स होती हैं वो बनाते हैं, स्किन बनाते हैं, हमारे हेयर्स बनाते हैं, नेल्स बनाते हैं. ठीक है, तो जितने भी बॉडी के ग्रोथ वाले ऑर्गन्स हैं उनके लिए ये आपके हेल्प करते हैं. ओके, यानी कि प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. ठीक है, नई नई सेल्स बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी बढ़ती है. ओके, आज छोटा बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है. आप छोटे ही देख रहे हो, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं. कैसे बड़े होते हैं? जो प्रोटीन्स हम खा रहे हैं वो प्रोटीन्स ही हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं. ओके, क्लियर. नाउ जो प्रोटीन्स होते हैं यू नो कि वो प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स के बने होते हैं. ओके, ये एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? वो हमें एमिनो एसिड्स का यानी कि जो प्रोटीन्स हैं उनका सोर्स क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, प्लांट्स में प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स में प्रोटीन्स हमें पल्सेस से मिलते हैं, सीरियल से मिलते हैं, ग्राउंड नट्स है, बीन्स है और ड्राई फ्रूट्स में भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, ये सारे आपके प्रोटीन्स के सोर्स होते हैं. बट सोयाबीन जो है, सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस. तो जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं वो अगर उनको प्रोटीन्स चाहिए ज्यादा तो उनको सोयाबीन खाना चाहिए. ओके, एनिमल्स में प्रोटीन्स की बात करें तो एनिमल्स में प्रोटीन मिल्क में मिलते हैं, फिश में होता है, एग्स में है, चीज में है. ओके, नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर्स जो प्रोटीन्स होंगे बेटा. ठीक है, तो ये सारे प्रोटीन्स होंगे वो आपके एमिनो एसिड्स के बने होते हैं एंड देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स. ठीक है, तो 20 एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं. जितने भी टाइप के प्रोटीन्स होते हैं वो ये 20 एमिनो एसिड्स एक साथ अरेंज होके बनाते हैं. ओके, सो ये जो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं वो एमिनो एसिड्स हमें प्लांट्स में मिलते हैं. ठीक है, तो प्रोटीन्स इन अवर डाइट कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो हमारी बॉडी जो होती है वो इन 20 एमिनो एसिड्स में से 8 एमिनो एसिड्स नहीं बना सकती है. 8 एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बना सकती है. ओके, तो ये जो 8 एमिनो एसिड्स होते हैं वो हम फूड से लेते हैं, अपनी डाइट से लेते हैं. ओके, इस तरह से यानी कि 12 एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी बना लेती है एंड 8 एमिनो एसिड्स हमें अपनी डाइट से मिलते हैं. तो इस तरह से 20 एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं और वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो जो एमिनो एसिड्स हम नहीं बना पाते हैं यानी कि 8 टाइप के एमिनो एसिड्स हम नहीं बनाते हैं इनको बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स. इसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी कैन नॉट मेक. ओके, एंड नॉन इसेंशियल विच वी ऑब्टेन फ्रॉम अवर डाइट. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है, ओके, यू नो कि हमारा ब्लड रेड कलर का होता है. ओके, और वो रेड कलर किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन. ठीक है, हमारे ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन कलर होता है. ओके, एंड दिस हीमोग्लोबिन इज नथिंग, इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. ठीक है, ये एक ग्लोबिन प्रोटीन होता है. तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है. यानी हमारे ब्लड में भी क्या हुआ? प्रोटीन प्रेजेंट है. ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है. दैट मीन्स कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है. हम लंग्स में हमारे एयर फिल हो जाती है और वो एयर जब हमारे ब्लड में ट्रांसफर होती है तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है यानी कि जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वही ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में
ट्रांसफर करता है. ओके नाउ सो जो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स तो आपको पता चल गया कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो भी एक प्रोटीन होते हैं. ठीक है, दूसरे कि हम जो होते हैं बीमार, बहुत सारे लोगों के अंदर जो होती है, बहुत सारे लोगों के सबके अंदर ये चीज होती है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है. दैट मीन्स कि हम किसी भी डिजीज से फाइट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में नेचुरल होता है. वो होता कैसे है कि हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो एक तरह का प्रोटीन प्रेजेंट करती हैं. ठीक है, और उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? दिस प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. ओके, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी ब्लड सेल्स क्या करती हैं? एंटीबॉडीज प्रेजेंट करती हैं. दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. और ये प्रोटीन क्या करेगा, हमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाता है, यानी कि वो उनसे फाइट करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है. ओके सो इसीलिए क्या करना चाहिए कि इन सब चीजों के लिए हीमोग्लोबिन भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है. एंटीबॉडीज बनना भी जरूरी है क्योंकि वो हमें डिजीज से बचा रहा है. इसीलिए आपका जो डेली का जो फूड हैबिट है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए. ओके और यू नो कि अभी आजकल जो है वो डिजीज बढ़ गई है ये COVID-19, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है. ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को इतना मजबूत करना है, इतना स्ट्रांग करना है कि वो डिजीज जो है वो आपकी, मतलब आपकी एंटीबॉडीज जो है वो उसको किल कर दे और वो आपकी बॉडी पे अफेक्ट ना कर पाए. तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने फूड में वो सारी डाइट्स को शामिल करना है जिससे आपको प्रोटीन्स मिलेगा. ओके सो सम प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे डेली लाइफ में एसेंशियल होते हैं और कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो हम अपने फूड से ले रहे होते हैं. मतलब हम डेली सारे प्रोटीन्स को हम अपने फूड से ही लेते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खाओ. ठीक है, प्रोटीन जरूरी है बट इतना नहीं कि आप हर टाइम प्रोटीन ही खाओ. आपको हर एक चीज को सब साथ लेके चलना है. ओके तो हमने बात की कि जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे एसेंशियल होते हैं और वो सारे आपकी डेली डाइट में शामिल होना चाहिए. अगर हम एक चार्ट देखें, ठीक है, तो एक चार्ट में क्या होता है कि आपको डेली कितना प्रोटीन चाहिए होगा, आपकी बॉडी का जितना वेट है. ठीक है, तो अगर हम एक किलोग्राम के लिए आपको कम से कम जो है 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम पर किलोग्राम आपकी बॉडी. ठीक है, तो मान लेते हैं 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर पर केजी. ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर आपका वेट 50 केजी है, अगर आपका वेट 40 केजी है, तो आपको 40 ग्राम ऑफ एंड 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स चाहिए होंगे. ओके क्लियर. नाउ कुछ लोगों के लिए प्रोटीन्स, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके लिए प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. लाइक कि जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो एज, जेंडर और हेल्थ पे डिपेंड करती है. ठीक है, जैसे कि अगर बच्चे हैं अभी, ठीक है, आप अभी छोटे हो तो आपके लिए प्रोटीन अभी ज्यादा जरूरी है. ठीक है, एक प्रेग्नेंट वोमेन है, यानी कि एक मदर्स है, उनके बॉडी के अंदर अगर कोई चाइल्ड है तो उसके ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी, क्योंकि अभी वो चाइल्ड बन रहा होता है बॉडी के अंदर, तो उसकी ग्रोथ के लिए मदर को प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है. ओके नाउ अगर कोई पेशेंट है, यानी कि किसी को कोई बीमारी हुई हुई हो और उसके बाद वो रिकवर हो गया हो, तो उसको प्रोटीन्स अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करना चाहिए. ओके सो पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम अ डिजीज ऑल्सो रिक्वायर मोर प्रोटीन्स. चिल्ड्रन गेटिंग लेस प्रोटीन इन देयर डाइट ग्रो अंडर वेट. ठीक है, तो अगर आप अपने फूड में, जैसे कि मैंने क्या बताया, 1 ग्राम पर केजी, हर 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए, तो आपका वेट आप सोच लो कि कितना है. अगर आपका वेट 45 ग्राम है, अगर आपका वेट 40 ग्राम है, तो आपको दिन में कितने लेने चाहिए, 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन शामिल करना. इससे कम लोगे, यानी कि अगर नहीं लोगे बिल्कुल अपनी डाइट में, आप बिल्कुल इसको छोड़ दोगे या कम लोगे, तो आप अंडर वेट हो जाओगे, यानी कि आपका वेट कम हो जाएगा. ठीक है, और बोन्स जो होते हैं वो बोन्स भी कमजोर हो जाएंगे, फ्लैश भी नहीं बन पाएगा, बहुत मसल्स भी नहीं ग्रो कर पाएंगे. ओके तो यू कैन सी इन दिस चार्ट, एक पाई चार्ट बना हुआ है. पाई चार्ट के हिसाब से हमारी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड
कार्बोहाइड्रेट्स एक एडल्ट ह्यूमन बींग के लिए, ठीक है, यानी कि 18 ईयर पर्सन के लिए जो है कितना रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स चाहिए, तो यू कैन सी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 400 to 500 ग्राम, ओके, यानी कि एक दिन में कम से कम 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेना होगा, प्रोटीन 65 to 75 ग्राम, फैट जो होते हैं वो 60 to 70 ग्राम और फीमेल्स के लिए 50 to 55 ग्राम, ओके, क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके, नो, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट अनदर टॉपिक.